तो जो प्रतिबंध है वहाँ तो खुलेआम मिल रहा है, आप जैसे पान गुटखा मसाले पे भी प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं, आज शराबबंदी करके आपने पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सबसे घातक प्रतिबंधित हथियार AK-47 पर तो रोक लगा ही नहीं सकी सरकार, तो नीतीश चले हैं शराब और गुटखा पर प्रतिबंध लगाने। ये हम नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने नीतीश सीएम से सवाल पूछा है। जब आपके AK-47 जैसे घातक हथियार पर रोक नहीं लगा तो गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि देश में सबसे घातक हथियार AK-47 है, पूरे देश में इस पर प्रतिबंध है, लेकिन बिहार में ये खुलेआम प्रदर्शित किया जा रहा है। माधव आनंद ने कहा कि बिहार में प्रतिबंधित हथियार AK-47 को सत्ता संरक्षित अपराधी खुलेआम लहरा रहे, बावजूद इसके नीतीश कुमार की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में पान गुटखा और शराब पर प्रतिबंध लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बताना चाहते हैं? RLSP महासचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, तभी तो खुलेआम AK-47 लहराया जा रहा है और उनकी पार्टी उनकी सरकार वैसे अपराधी बचाने में जुटी है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में शराब भी प्रतिबंधित है, फिर भी शराब हर जगह मिल रही है, यूं कहें कि शराब कारोबारियों ने समांतर व्यवस्था खड़ी कर ली है, अब पान मसाला पर बैन लगाकर बिहार के मुखिया क्या साबित करना। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व पटना के बाढ़ में विवेका पहलवान के घर में एक साथ दो AK-47 लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। उसके पहले उसी गांव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास में AK-47 बरामद किया गया। उस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अभी भी वे जेल में बंद हैं। हालांकि विवेका पहलवान के घर में दो AK-47 का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, अभी तक पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार जो पूरे भारत वर्ष में उस हथियार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बिहार में धड़ल्ले से मिल रहा है, तो जो प्रतिबंध है वहाँ तो खुलेआम मिल रहा है। आप जैसे पान गुटखा मसाले पे भी प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं और वो भी एक साल के लिए। अरे लगाना था तो आप जैसे बहुत लंबे टाइम के लिए, 5 साल 10 साल आजीवन के लिए लगाते। आपने शराबबंदी भी किया था, शराबबंदी कितना सफल रहा है, आज शराबबंदी करके आपने पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। आज बिहार में क्या शराब नहीं मिल रहा है सबको पता है, और अगर सरकार को नहीं पता है तो सरकार एक सर्वे करवा ले कि किस तरह अधिकारियों की मिलीभगत से जो है शराबबंदी का गोरख धंधा जैसे बिहार में चल रहा है। तो पान मसाला पे आपने प्रतिबंध लगा दिया, वहां भी पैरेलल इंडस्ट्री आप खड़ा कर देंगे। आपकी जो है सेवा की भावना आप में नहीं है, आप जनता को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है बिहार की जनता इस चीज को समझती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनंत सिंह के समर्थन में आए थे माधव आनंद और उन्होंने जमकर नीतीश सरकार, लिपि सिंह, RCP सिंह और ललन सिंह पर निशाना साधा था। ऐसे में जब AK-47 का वीडियो वायरल हुआ है, वहीं बिहार में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसकी आलोचना कर रहे हैं जमकर माधव आनंद। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। नए खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।